जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लेक्चर 5 अपना। लेक्चर 4 मेरे उसमें हो चुके हैं एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के अंदर, ये लेक्चर 5 है। लेक्चर 4 के अंदर मैंने आपको भी बताया था कि राशियाँ क्या हैं, राशियों की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उनसे किसी निकी नेचर का हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। लेक्चर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको लग्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। लग्न कैसे मैनुअली निकालते हैं ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसके अंदर बेसिकली बताया है कि लग्न होता क्या है, लग्न कहते किसे हैं। जैसे कोई हॉरोस्कोप किसी की होती है और हम लोग कहते हैं कि भाई आपका वृष लग्न है या मेष लग्न है, वो उसका मतलब क्या है, तो लग्न होता क्या है और राशियों से कैसे भिन्न है, ये आपको मैं आज बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में ठीक से आ जाए। इसके बारे में बहुत बात करते हैं। जब भी आप देखा होगा कि किसी की कुंडली के बारे में बात करते हैं, हॉरोस्कोप के बारे में बात करते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारा लग्न क्या है, या उसे लग्न कुंडली भी बोलते हैं उसको। तो लग्न का मतलब क्या होता है कि अब जैसे ये देखिए कि आप मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसके अंदर कि ये आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका जो पूरा ब्रह्मांड है। अगर आप देखें इसके ये 12 पार्ट्स कर लेते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स जो हमने उसमें करे थे, ये 12 पार्ट्स कर लेते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसके हमने ये 12 पार्ट्स कर लिए हैं। अब जो हमारी पृथ्वी है, ये बीच में सूर्य है, यहाँ पृथ्वी हमारी है। तो जब पृथ्वी हमारी घूम रही है तो जब वो इस पार्ट के सामने होती है तो हमको, हम तो पृथ्वी पर बैठ खड़े हुए हैं तो हमें ये लगता है कि सूर्य इस पार्ट के सामने है, ये सन है। जब हम यहां देख रहे हैं तो हमें लगता है कि हम सोलर सिस्टम में सूर्य इस स्थान पर है। यानी अगर ये पार्ट मेष वाला है, मेष राशि है, तो हम कहते हैं कि सूर्य मेष राशि में है, क्योंकि पृथ्वी को हमने स्टेशनरी माना हुआ है। आल्दो क्योंकि पृथ्वी में घूम रहे हैं हम लोग, तो हम ये देखते हैं कि सूर्य मेष राशि में है। जब यहां पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि सूर्य वृष राशि में है। तो इस तरीके से सूर्य अलग अलग राशियों में चलता रहता है, क्योंकि हमने ये माना है कि सूर्य घूम रहा है ना कि पृथ्वी, पृथ्वी स्थिर है अपनी जगह पे। अब इसमें एक चीज ये होती है कि देखिए, अगर पृथ्वी जो आपकी वो घूमती है अपने एक्सिस पे, अगर हम पृथ्वी का घूमना अपने एक्सिस पे लगाएं तो वो अपने एक्सिस पे कितनी देर में घूमती है। हमेशा ये तो ध्यान रखिए कि पृथ्वी हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है और अपना एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेती है। एक चक्कर लगाने में पृथ्वी 24 आवर्स लेती है अपनी धुरी पे, अपने एक्सिस पे। यानी अपने एक्सिस पे वो पृथ्वी इस तरह से घूम रही है तो वो एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लेती है। अब जब वो 24 आवर्स लेगी, चक्कर लगाएगी, यानी ये पृथ्वी चक्कर लगाएगी आपका अर्थ, तो आपको 24 घंटे में ये 12 ही 12 राशियों में ऐसा लगेगा कि पृथ्वी इन राशियों में जा रही है। आप समझ गए? जैसे यहां पर आप हैं अभी, तो आप ये देख रहे हैं कि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है, पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है। तो यहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपके हर दो दो घंटे में, क्योंकि 24 घंटे में घूम रही है और ये 12 पार्ट है, तो हर दो दो घंटे में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में दिखाई देगा आपको। आपको लगेगा कि ईस्ट साइड में अभी दिखाई पार्ट पड़ रहा है आपको मेष, उसके दो घंटे बाद दिखाई पड़ेगा वृष, उसके दो घंटे बाद दिखाई पड़ेगा मिथुन, उसके दो घंटे बाद दिखाई पड़ेगा कर्क एंड सो ऑन, कुंभ मीन। तो दो दो घंटे बाद ये पार्ट दिखाई पड़ेंगे आपको ईस्ट में। तो जब जिस समय बच्चा पैदा होता है तो ईस्ट में कौन सी राशि दिखाई पड़ रही है वो उसका लग्न कहलाती है, वो उसका लग्न कहलाती है। यानी ईस्ट में जो राशि उदित हो रही है वो राशि उसका लग्न कहलाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ईस्ट में जो राशि हो रही है वो हर दो घंटे बाद चेंज हो रही है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में घूम रही है और वो 12 पार्ट्स जो सोलर ब्रह्मांड के हैं उनको कवर करती है घूमते घूमते। तभी अभी हम सोचते हैं कि मेष में है, फिर अब दो घंटे बाद सोचते हैं कि वृष में है, दो घंटे बाद दो घंटे बाद सोचते हैं कि मिथुन में है, फिर दो घंटे बाद सोचते हैं कर्क में है। तो इस तरीके से हर दो दो घंटे में इसकी वहाँ पर अलग अलग राशियाँ उदित होती हैं, ईस्ट साइड में दिखाई पड़ती हैं। तो ये अभी मेष दिखाई दे रही है तो दो घंटे बाद वृष, फिर दो घंटे बाद ये, फिर दो घंटे बाद ये और दो घंटे बाद लास्ट में मीन, और फिर ये चक्कर दोबारा चलता रहता है। तो एक बार में 12 राशियाँ कवर कर लेती है और फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो राशि बच्चे के जन्म के समय जो ईस्ट में राशि दिखाई पड़े, जो पैदा हो रही हो ईस्ट में राशि दिखाई पड़े, वो राशि कहलाती है बच्चे का लग्न, वो लग्न कहलाती है। तो
इसका मतलब ये हुआ कि लग्न हर दो दो घंटे में चेंज होता है। अभी लग्न सपोज कीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ 4:10 पे सुबह एम, और उस समय जो ईस्ट में राशि है वो है वृष, तो 4:10 पे ये लगन है तो वो वृष राशि आ गई आपकी, ये लगन हो गया आपका क्योंकि इसमें ये राशि है। तो ऐसे ही चलता रहे चलता जाएगा। और एक राशि का मान मैंने आपको बताया था 30 degrees, वन राशि इज इक्वल टू 30 degrees। तो अब राशि की वैल्यू 30 degrees है, मान लिया कि वृष लगन तो है उसका, वृष राशि ईस्ट में आ तो रही है, लेकिन वृष राशि ऑलरेडी 10% कवर हो चुकी है, 10 degrees कवर हो चुकी है 30 degrees में से, तो 10 degrees कवर हो गई 30 degrees में से। तो हमेशा हम लिखते हैं कि लग्न हमारा 10 degrees है, तो 10 degrees मीन्स कि वृष राशि का 10 degrees चल चुका है। जो हमारी ये वृष राशि है इसमें ये पूरा पार्ट 30 degrees का है इसका, वृष राशि का, तो इसमें से 10 degrees करीब ऑलरेडी हो चुका है और बाकी 20 degrees अभी होना है, ठीक है। तो ये अब इस पूरी 30 degrees चलने में कितना टाइम लग रहा है पृथ्वी को, 2 hours, क्योंकि 12 राशि चलने में टोटल मिला के हमें 24 घंटे लगते हैं, तो एक पार्ट में 30 degrees यानी 360 degrees चलने में हमको लगते हैं 24 घंटे, तो 2 घंटे में हम लोगों को लगेंगे 2 hours में 30 degrees, 30 degrees घूमने में हमको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 360 degrees हम 24 घंटे में पृथ्वी हमारी घूम जाती है, तो सिंपल सी बात है कि हमारी पृथ्वी 2 घंटे में 30 degrees घूम जाएगी, यानी 2 घंटे में एक राशि पार कर लेगी। तो इसलिए मैंने इसमें बताया कि लग्न जो है वो हर 2 घंटे बाद चेंज होता है। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आपको मेरा ये 5th video पसंद आया होगा जिसे मैंने आपको लग्न के विषय में बताया है। तो कृपया अगर वो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मोटिवेशन बना रहे, और कमेंट्स भी जरूर दीजिए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।